बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। सिवान के भगवानपुर हाथ में राखी बांधने जा रही नाबालिग लड़की के साथ चारनिक की दरिंदगी, एक आरोपी गिरफ्तार। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की जो सुनसान सड़क से गुजर रही थी, तभी सड़क पर खड़े गांव के ही एक युवक ने फोन कर अपने 3 साथियों को बुलाकर लड़की को झाड़ी में ले जाकर दरिंदगी करने का प्रयास किया। इस दौरान उसी रास्ते से गुजर रहे स्कॉर्पियो ने लड़की को चीख पुकार सुन ब्रेक लगाकर आसपास देखा तो लड़की को 4 लोग पकड़े हुए थे। स्कॉर्पियो को देख युवक लड़की को छोड़ मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने थानाध्यक्ष श्री पंकज कुमार को दी। थानाध्यक्ष के निर्देश पर एसआई श्री बलिराय ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जांच पड़ताल की तथा पीड़ित नाबालिग से पूछताछ की। पुलिस के पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि अपने मामा घर से भाई को राखी बांधने के लिए सड़क से जा रही थी, तभी गांव के ही पवन कुमार, अंकित कुमार, इमामुद्दीन, दिनेश कुमार ने आते देख मोबाइल से बात करने लगे कि एक लड़की आ रही है, जिसे सुनकर हम सहमे हुए भागने लगी। तभी 3 युवक पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, जिससे मैं गिर गई। इसके बाद सभी ने टांग कर झाड़ी में ले गए और मेरे साथ दरिंदगी करने की कोशिश करने लगे। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क सुनसान होने के कारण आसपास गंजेरियों और मनचले युवकों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण विद्यालय आती जाती लड़कियों को देख आगे पीछे करते रहते हैं। लोगों ने पुलिस से मांग किया है कि पुलिस इस रास्ते से गश्ती करे ताकि गंजेरियों और मनचले को मनोबल खत्म हो। इस संबंध में थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि विधिसम्मत कार्यवाही के लिए पीड़ित लड़की को महिला थाना सिवान भेजा गया है, जहां से आगे की कार्यवाही की जाएगी। न्यूज़ 9 तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।